क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके आसपास आपके दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली मेंबर जो जिनके साथ आप इतने दिनों से जिंदगी जीते आ रहे हैं, वो सच में जिंदा है या कोई आत्मा, भूत प्रेत ऐसा तो कुछ नहीं? या कभी आपने आईने में खुद को नोटिस किया है, आपके कहीं उल्टे पैर तो नहीं? क्योंकि सुना है जो भूत प्रेत पिशाच होते हैं उनके पांव उल्टे होते हैं। क्या हुआ, सोच रहे होंगे कि आज मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ? आज जिस मूवी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस मूवी को पूरी देखने के बाद आप खुद इन बातों को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, 2001 में रिलीज हुई हॉलीवुड मूवी द अदर्स इन्हीं सब चीजों को नोटिस कराती है कि आप खुद की जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आप जो जिंदगी जी रहे हैं असल में वो जिंदगी है या कोई और ही जिंदगी है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्रैक माइंड अली में। मैं हूँ आपका दोस्त वन एंड ओनली नौशाद अली। मूवी शुरू होती है एक महल जैसे घर के बारे में जो आम जिंदगी से काफी दूर है, जिसमें रहते हैं सिर्फ तीन मेंबर्स, एक मम्मी, दो उसके बच्चे, एक लड़का। लड़का सबसे छोटा है, बड़े वाली लड़की है। और इनकी जिंदगी आम जिंदगी से थोड़ी अलग है। अलग इसलिए क्योंकि इस घर में जो घर की मालकिन है उसके जिंदगी जीने के कुछ अजीब ही तरीके हैं। अब अजीब तरीके इसलिए क्योंकि वो सोचती है कि उसके जो दोनों बच्चे हैं उनको एक अजीब तरह की बीमारी है, जिससे वो अगर रोशनी में आ जाएंगे तो उनके चेहरे पर एलर्जी हो सकती है, धब्बे पड़ सकते हैं और रोशनी की वजह से उनका चेहरा झुलस सकता है, जिस वजह से दम घुटने से उनकी मौत हो सकती है। इसलिए वो क्या करती है, अपने दोनों बच्चों को अंधेरे वाले कमरे में रखती है, या ये कहिए कि जो उसका महल नुमा घर है वो पूरी तरह से अंधेरे में ही रहता है। हर खिड़की दरवाजे पर उसने पर्दे लगा रखे हैं जिससे बाहर की रोशनी अंदर ना आ पाए। अब इनका दूसरा रूल क्या है कि घर का आप दूसरा दरवाजा तभी खोल सकते हैं अगर आप पहला दरवाजा लॉक करेंगे। वो भी इसलिए क्योंकि अगर ज्यादा दरवाजे एक साथ खुल जाएंगे तो बाहर से रोशनी अंदर आ जाएगी, जिससे उसके बच्चों को खतरा हो सकता है। तीसरी बात ये, मम्मी बोलती है कि बाइबल में जो लिखा हुआ है उसको बिल्कुल सच मानना है, एक एक बात सच माननी है और कोर्ट को लेकर कोई भी सवाल नहीं किया जा सकता। मतलब जो भी बाइबल में लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है, आंख मूंद कर उस पर विश्वास करना है। अब इन तीनों की जिंदगी ऐसी चल रही होती है, पर एक दिन इनके घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं तीन और लोग। अब ये लोग कौन है, इनमें एक बूढ़ा है, एक बूढ़ी है और एक लड़की है जो बोल नहीं पाती। ये तीनों बहुत गरीब है और काम की तलाश में यहाँ तक पहुंचे हैं। इनकी मुलाकात मालकिन से होती है और वो इनको काम पे रख लेती है ताकि उसके बच्चों की भी आसानी से देखभाल हो पाए। पर अगर आपको लग रहा है कि ये इस घर में पहली बार आए हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका मानना है कि वो इस घर में पहले भी काम कर चुके हैं, जब इस घर का पहला मालिक रहता था जिसकी टीबी की वजह से डेथ हो चुकी है। अब इस घर की जो मालकिन है वो घर में से कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स ढूंढती है जिसमें जितनी की भी फोटो है वो सब सोए हुए हैं। जब उसे पता लगता है कि ये जो नौकर हैं वो इस घर में पहले भी काम कर चुके हैं, तो इन फोटोज के बारे में उनसे जानने की कोशिश करती है कि शायद उनको कुछ पता हो। वो उनको बताते हैं कि इस फोटोज में जितने भी लोग हैं वो सोए हुए नहीं हैं बल्कि मर चुके हैं। पहले जो लोग होते थे वो क्या करते थे कि मरे हुए की फोटो खींचते थे। उनका मानना ये था कि उस तस्वीर के अंदर उनकी आत्मा फिर से जिंदा हो जाएगी। अब इन लोगों की जिंदगी धीरे धीरे चल रही होती है। फिर एक दिन अचानक क्या होता है, घर में जो दो बच्चे होते हैं, बड़ी वाली लड़की होती है, उस लड़की को घर में एक तीसरे बच्चे की होने की पुष्टि करती है। अपनी मम्मी को बताती है कि इस घर में एक विक्टर नाम का बच्चा और भी है जो हमारी इजाजत के बिना यहाँ पे रह रहा है, और या ये कहिए कि विक्टर का पूरा परिवार इस घर में रह रहा है। लड़की बताती है कि उसमें विक्टर की मम्मी भी है, पापा भी है और एक बूढ़ी औरत है जो खुद को चुड़ैल होने का दावा करती है, जो दिखने में भी चुड़ैल जैसी ही लगती है। मम्मी पहली बार सुनती है तो सोचती है कि लड़की मजाक कर रही है, उसको पनिशमेंट मिलती है, पर धीरे धीरे इस हॉन्टेड एक्सपीरियंस को मम्मी खुद भी अनुभव करती है। एक दिन क्या होता है कि घर के जितने भी पर्दे होते हैं सब अचानक से गायब हो जाते हैं। मम्मी को डाउट जाता है घर के नौकरों पर कि शायद उन्होंने ऐसा कुछ किया है, तो वो घर के नौकर को, तीनों नौकरों को घर से निकाल देती है। फिर अचानक से जैसे ही नौकर घर से निकलते हैं मम्मी के हाथ में एक फोटो लगता है। फोटो को पलट कर जैसे ही मम्मी देखती है उस फोटो में उन तीनों नौकर की तस्वीर होती है
जो सोए हुए होते हैं। मतलब या ये कहिए कि वही पुराने टाइम की फोटो जो मरे हुए लोगों के खींची जाती थी, वही फोटो थी उनकी। तब मम्मी समझ जाती है कि जो ये तीनों नौकर थे ये जिंदा नहीं थे, मरे हुए थे। बच्चे अचानक से घर से बाहर निकलते हैं और पास के ही एक कब्रिस्तान में जाते हैं जहां पर कब्रें बनी हुई होती हैं। वहां पर उनको नाम दिखाई देता है उन तीनों नौकर का, तो बच्चे समझ जाते हैं कि जो तीनों नौकर थे वो हमारे बीच जो रह रहे थे वो जिंदा नहीं थे, उनकी आत्माएं थी। बच्चे अचानक से घर की तरफ वापस भागते हैं, सामने उसने वही तीन नौकर वापस आते हुए दिखाई देते हैं। उनको देखकर मम्मी घर का दरवाजा बंद कर लेती है और अपने बच्चों को कमरे के अंदर लॉक कर देती है ताकि वो तीनों उन तक ना पहुंच पाए। पर वो तीनों मम्मी को बताते हैं कि बच्चे जिन लोगों के होने का दावा कर रहे हैं वो उसी घर के अंदर है, पूरा परिवार है और उनके बच्चों को उससे खतरा है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस जो होता है वो क्लाइमैक्स में खुलता है। मूवी का जो क्लाइमैक्स है पूरी तरह से दिमाग को घुमा के रख देगा, दिमाग को पलट देगा। अब तक आप जो सोच रहे थे बिल्कुल उससे उलट हो जाएगा। तो अगर आप फिल्म का क्लाइमैक्स मूवी देखकर जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आपको मूवी मिल जाएगी, पूरी तरह फ्री में मिल जाएगी, हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। जाइए और देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि अब तक जो आपको देखने पर लग रहा है क्या वही क्लाइमैक्स है, क्या आपको लग रहा है कि अपने दोनों बच्चों को जिनसे खतरा है, जो अनजान भूत प्रेत जो भी हैं जिनको देखने का दावा लड़की करती है और मम्मी ने भी जिनको अनुभव किया है, क्या उनसे मम्मी अपने दोनों बच्चों को बचा पाएगी या मूवी का क्लाइमैक्स ही कुछ और है। और अगर सुनना चाहते हैं आप मुझे से तो मैं आपको बता दूं इस क्लाइमैक्स में जो होने वाला है वो मैं तो क्या आप तो क्या कोई भी इमेजिन नहीं कर पाता, क्योंकि मूवी का क्लाइमैक्स पूरी तरह से बिल्कुल अलग है। अभी तक आप जो देख रहे थे एक मम्मी और दो बच्चे जो जिंदा थे वो जिंदा नहीं है, ये सोच रहे होंगे ना ये क्या हुआ। यही का क्लाइमैक्स है, मूवी का क्लाइमैक्स पूरी तरह बदल गया है। जो जिंदगी ये लोग जी रहे हैं वो जिंदगी है ही नहीं, बल्कि ये लोग पहले से ही मर चुके हैं। और जिनकी लोगों के होने का दावा वो लड़की करती है कि घर में विक्टर की पूरी फैमिली रहती है, वो लोग आत्मा नहीं है, वो लोग जिंदा है। क्या हुआ, कहानी पूरी तरह पलट गई ना। तो यही इस कहानी का प्लस पॉइंट है। जो मूवी का एंड है वो पूरी तरह से दिमाग की दही कर देगा, दिमाग को घुमा के रख देगा। तो ऐसी मूवी जो शायद बॉलीवुड सिनेमा में तो अभी तक बनी नहीं और आगे भी दूर दूर तक कोई चांस है ही नहीं बनने का, इसका पूरी तरह से एंजॉय कीजिए, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। और जितना मैंने बताया है उससे कहीं ज्यादा आपको मूवी के अंदर मिल जाएगा। एक तरह से सुपर्ब मूवी है, जाइए इसको एंजॉय कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके मुझको बताना कि मूवी कैसी लगी। क्योंकि आज तक आप लोगों ने देखे होंगे सिर्फ ऐसी हॉरर फिल्में जिनमें डरावनी शक्ल वाले भूत चुड़ैले दिखाई जाती हैं, कोई पुराना दरवाजा जैसी कर्र करके बंद होने की आवाजें होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पर मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, मूवी की जो स्टोरी है और जो एक्टिंग है सभी कैरेक्टर्स की, वो सुपर एक्टिंग है जो आपको एक अलग लेवल का हॉरर दिखाता है जो बॉलीवुड में तो शायद आज तक नहीं मिला है। ठीक है, तो YouTube पे जाके सर्च कीजिए, द अदर्स नाम से मूवी आपको मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री है, हिंदी डबिंग में है। और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना वीडियो अच्छी लगी है। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में एक अलग मूवी के रिव्यू के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।